गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज 17 तारीख है। हम सभी जानते हैं 17 तारीख पहला महीना सन 2022, ठीक है। अब नया साल आ गया है, सन 2022 शुरू हो गया है। तो नए साल में सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी बधाई और हैप्पी न्यू ईयर। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला भी और जिन्होंने नहीं बोला उनको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2022। अब हम सभी ये जानते हैं कि 2021 में 31 दिसंबर से हमारी ठंडी की छुट्टियां चल रही थी और हमारा विद्यालय खुलने वाला था 14 तारीख के बाद 15 तारीख से, लेकिन 15 तारीख ठंडी की वजह से या कोरोना की वजह से उसे आगे बढ़ा दिया गया 16 तारीख तक। 16 तारीख तक तो छुट्टी ही थी, 17 यानी आज सोमवार, आज से विद्यालय चलना था। लेकिन फिर एक नई समस्या आ गई। हमारे पूरे देश में कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो फिर से अपना पैर पसारने लगा है और आज की तारीख में 3 लाख से ऊपर केस हमारे देश में फिर से आने लगे हैं। अब इस समस्या से अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, अपने आप को बचाकर भी रखना है, इसी कारण से, और कुछ ठंडी भी पड़ रही है इसकी वजह से भी, हमारे प्रशासन ने क्या किया, एक हफ्ते की छुट्टी और हमारी बढ़ा दी। तो अब जो स्कूल खुलेगा, अभी तक का जो आदेश है वो 23 जनवरी 2022 तक की छुट्टी निर्देशित है। कहने का मतलब 23 जनवरी तक अब हमारी छुट्टी रहेगी, विद्यालय पर नहीं आना है बच्चों को और साथ में हमें भी। और इस बीच हम क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई का नुकसान न करते हुए अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन के माध्यम से जारी रखने का प्रयास करेंगे। अब इसी के आगे मैं कक्षा 3 के, खासकर 3 के बच्चों के लिए, मैं देख रही थी कि 23 दिसंबर को हम लोगों ने पाठ पढ़ा था सबसे पहले, है ना, एक कविता थी जिसका नाम था सबसे पहले, और सबसे पहले का जो पहला स्टैंजा है वो हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें था आज उठा मैं सबसे पहले, क्या था, आज उठा मैं सबसे पहले, सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डैने फड़का कर, चहक चहक कर उड़ना फर फर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले। अगर आपको याद होगा तो ये पहला जो स्टैंजा है, ये अंतरा है, वो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, इसका इसके अर्थ को भी समझा था और इतनी लाइन को हम लोगों ने याद करने की कोशिश भी की थी, ठीक है। अगर हम अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखते हैं तो फिर से हम पढ़ना भूल जाएंगे, अक्षर और मात्रा को पहचानना भूल जाएंगे। इसलिए जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, इसे जिनके पास भी किताबें हैं वो ज़रूर इसे पढ़ना फिर से शुरू कर देंगे। और आज हम उसका दूसरा स्टैंजा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको किताब दिखा दूँ, पता नहीं आपके पास किताब मौके पे है या नहीं है, अगर है तो आप अपनी किताबें खोल लीजिए। कलेरव, कक्षा 3 का कलेरव है और पाठ संख्या 6 है और पन्ना संख्या 25 है, ठीक है। देखिए ये किताब है। अब इसमें पहला स्टैंजा मैंने आपको पढ़ के सुनाया, यहाँ से आप देख सकते हैं, आज उठा मैं सबसे पहले, सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डैने फड़का कर, चहक चहक कर उड़ना फर फर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले। अब आते हैं दूसरे स्टैंजा पे, देखिए ये है, सबसे, स ब स, स स पे एक मात्रा, सबसे पहले, प ह ल, ल ल पे एक मात्रा ले, पहले आज, आज, च
च च पे छोटा उप मात्रा चु, न ना पे बड़ा उप मात्रा नू, ऊपर चंद्र बिंदु नू, ग गा पे आ का मात्रा गा, चुनूंगा, ठीक है, चुनूंगा, चुनना माने जहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें से कुछ उठा लेना, है ना, कुछ चुनना, जो खास चीज़ें हैं उसे उठा लेना। प प पे औ का मात्रा पौ, ध ध ध पे ए का मात्रा धे, पौधे। फिर से देखिए भाई लिखा है, प प पे औ का मात्रा पौ, ध ध पे का मात्रा धे, पौधे पौधे पौधे। जब इस तरह का कोई चिन्ह होता है तो उसे हम एक साथ पढ़ते हैं, पौधे पौधे। क का पे बड़ी की मात्रा की, ड ड पे आ की मात्रा डाल, ल ल पे बड़ी की मात्रा ली, डाली। प र पर, पौधे पौधे की डाली पर। फ फ पे बड़ा उ का मात्रा फूल, फूल। ख ख ख पे छोटी की मात्रा की, ल ल पे ए की मात्रा ले, खिले। ज ज पे ओ का मात्रा जो, स स पे छोटा उ का मात्रा सु, ऊपर अंक बिंदु, द र सुंदर। फिर देखिए, स स स पे छोटा उप मात्रा सु, ऊपर अंक बिंदु सुन, द र सुंदर। फिर देखिए वही चिन्ह है तो इसे हम एक साथ पढ़ेंगे, सुंदर सुंदर। द द पे ए का मात्रा दे, ख ख पे बड़ा उ का मात्रा खू, ऊपर चंद्र बिंदु। अब ये क्या है, ये चंद्र बिंदु है। खू ग ग पे आ का मात्रा गा, देखूंगा देखूंगा। प प पे बड़ा उ का मात्रा पूरब, पूरब। म म पे ए का मात्रा मे, फ फ पे अ का मात्रा फय, ल ल पे ए का मात्रा ले, फैले। ठीक है, अब ब ब ब पे आ का मात्रा बादल, बादल। प प पे बड़ी की मात्रा पी, ल ल पे ए का मात्रा ले, पीले। ल ल पे आ का मात्रा ला, ल लाल। स स पे छोटा उ का मात्रा सु, न ह ल, ल ल पे ए का मात्रा ले, सुनहले। बादल पीले लाल सुनहले। आज आज, उ ठ ठ ठ पे आ का मात्रा ठा, उठा। म म म पे अ का मात्रा मैं, ऊपर अंक बिंदु मैं। स ब स स स पे ए का मात्रा से, सबसे। प ह ल, ल ल पे ए का मात्रा ले, पहले। अब इसको फिर से देखते हैं ऊपर से, सबसे पहले आज चुनूंगा। जब मैं सबसे पहले उठाऊँ तो मैं क्या करूँगा, आज सबसे पहले चुनूंगा, क्या चुनूंगा, पौधे पौधे की डाली पर, यानी हर पौधे की, पौधे पौधे की माने हर पौधे की डाली पर। फूल खिले जो सुंदर सुंदर, यानी कि पौधों की डालियों पर जो सुंदर सुंदर फूल खिले हैं उसे मैं आज सबसे पहले चुनूंगा। तो उसे चुनूंगा माने उसे तोड़ूंगा। क्यों तोड़ूंगा, फूल हम क्यों तोड़ते हैं, हो सकता है हमें पूजा करना हो, ईश्वर की आराधना करनी हो, इसलिए हम सबसे पहले फूल, सुंदर सुंदर फूलों को चुनेंगे। फिर देखिए, देखूंगा पूरब में फैले, और मैं क्या देखूंगा सुबह उठकर, देखूंगा पूरब में फैले। पूरब माने क्या है, पूरब दिशा है, क्या है, एक दिशा है जहाँ से सुबह के समय सूरज उगता है, जिस दिशा से सूरज उगती है सुबह उसी दिशा को हम पूरब कहते हैं। देखते और देखते हैं हम आगे कि पूरब दिशा में और क्या क्या मुझे देखने को मिलेगा। बादल पीले, जब सूरज उगता है तो जो हमारा आसमान होता है और उसमें जो छोटे छोटे बादल भी होते हैं वो हमें पीले रंग के दिखाई देते हैं, कभी कभी लाल रंग के भी दिखाई देते हैं और कभी कभी सुनहले रंग के भी दिखाई देते हैं। तो बादल मुझे किस किस रंग के दिखाई देंगे पूरब दिशा में सुबह के समय, पीले लाल और सुनहले, सुनहला माने सोने का रंग का। आज उठा मैं सबसे पहले, और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज सबसे पहले उठा हूँ, सबसे पहले माने घर में सबसे पहले, मम्मी पापा से भी पहले। ठीक है, देखो, सबसे पहले आज चुनूंगा प
पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर, देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले, आज उठा मैं सबसे पहले। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और इसके अर्थ को भी आपको समझना है। उंगली रख के आप ऊपर का ये स्टैंजा और ये, ठीक है, ये दोनों स्टैंजा आप तैयार करेंगे और इसे दोनों स्टैंजों का आप याद भी करेंगे, ठीक है। और जो भी शब्द के अर्थ आपको ना समझ में आए उसे आप फोन वीडियो के माध्यम से पूछ भी सकते हैं या वॉइस मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप इतना तैयार करिए, ये कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। अब विद्यालय खुलने तक हमारी पढ़ाई ऐसे ही होगी, घर पर आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद। Thank you.